हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे सोयाबीन सीख कबाब। बहुत टेस्टी डिलीशियस होते हैं। इसको आप अपने इफ्तार में बनाइए या फिर आप इसे इवनिंग स्नैक पे भी बना सकते हैं। बहुत हेल्दी भी होते हैं क्योंकि सोयाबीन से बने हैं और सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप सोया चंक्स ले लिए हैं और इसको अब हम गर्म पानी में सोक कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं और चंक हमारे यहाँ अच्छे से सोक हो गए हैं। अब इनका पानी स्क्वीज कर देंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। चंक्स को मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। मैं यहाँ सूखा पुदीना ऐड कर रही हूँ क्रश करके। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप वही बारीक काट के ऐड करें। अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, बेसन, कॉर्नफ्लावर ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए नहीं तो स्किप कर दीजिए, केवड़ा वाटर। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक स्टिक लेंगे। तो मेरे पास ये स्टील की कबाब स्टिक है, मैं इस पर ही बना रही हूँ। आपके पास कबाब स्टिक नहीं है तो आप उसको पेंसिल पर भी बना सकती हैं, और मार्केट में वुड स्क्यूअर आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कबाब बनाने के लिए, और स्टिक पे उसे अच्छे से प्रेस करके हम कबाब का शेप दे देंगे। और ये हमारा कबाब रेडी हो गया है और स्टिक से अब हम इसे रिमूव कर लेंगे और इसी तरह सारे कबाब को रेडी कर लेंगे। अगर आपको सीख कबाब बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसे सिंपल कबाब की तरह भी बनाकर फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ तेल गरम होने रख दिया है और अब बहुत केयरफुली हम कबाब को इसमें प्लेस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। फ्लेम को हम मीडियम हाई ही रखेंगे और कबाब को डालने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर हम कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही केयरफुली हम कबाब को टर्न भी कर लेंगे। और कबाब अब फ्राई हो गए हैं तो हम इसे अब प्लेट में रख लेंगे। वीडियो आपको अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।